किसी शायरा ने कहा था कमाले जब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी, सुपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में मैं अपने घर के अंधेरों को लौट जाऊंगी। और ये उस जमाने की शायरा थी परवीन शाकिर। और आज की शायरा कहती है उसकी खुशियों का कर्जा चुकाना पड़ा, भीगी आंखों से भी मुस्कुराना पड़ा। एक ऐसी शायरा जिनको आपने कौमी गीत के साथ सुना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शबाना शबनम साहिबा की, जो उज्जैन से तशरीफ लाई हैं। बहुत खूबसूरत तरन्नुम के साथ पढ़ती हैं, बहुत मकबूल शायरा हैं। मैं बड़ी मोहब्बत से उन्हें आवाज़ दे रही हूँ, तशरीफ लाएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहतरम असलम चिश्ती साहब की कि आप जैसे बाज़ोक सामईन से रूबरू होने का मौका दिया। पहली बार आपके दयार में हाजिर हुई हूँ। चार मिसरों से अपना शेरी सफर शुरू करना चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि माना के मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मेरी शोहरत है। मेरी बात आप तक पहुँच जाए तो ही दाद दीजिएगा। कि माना के मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मेरी शोहरत है। इनकी दुआओं से ही मेरी दुनिया भर में इज्जत है। सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी नहीं है मेरे लिए। बाप है जन्नत का दरवाजा और माँ मेरी जन्नत है। बाप है, बहुत अच्छी शबाना, क्या बात है, क्या बात है। और माँ मेरी जन्नत है। बहुत बहुत शुक्रिया जरा, क्या कहने, वाह वाह। ये मेरी मोहब्बत और यकीन के मिसरे थे जो मैंने हाजिर किए। हिंदी उर्दू का ये मुशायरा और चार मिसरे मेरे आपके दयार में और हाजिरी चाहते हैं, समाप्त कीजिएगा। मीरो ग़ालिब की मैं हवेली हूँ, मीरो ग़ालिब की मैं हवेली हूँ, गीत गजलों के साथ खेली हूँ। इश्क उर्दू से है मुझे शबनम, इश्क उर्दू से है मुझे शबनम, और हिंदी की मैं सहेली। बहुत अच्छे बाबा शबनम, बहुत अच्छे। और हिंदी की मैं सहेली हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दो कतात मैंने अपनी जानिब से आपकी तरफ सौंप दिए, लेकिन आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश करती हूं। चार मिसरों से मोहब्बत का सफ़र शुरू करती हूं, समाप्त कीजिएगा। एक दो कतात आपके दयार में हाजिर करती हूं, दिल तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा। कि वो मेरी आंखों में ख्वाबों की तरह रहता है, पहले पूरा सुना करें फिर दाद दिया करें, एडवांस पेमेंट अच्छा नहीं लगता। कि वो मेरी आंखों में ख्वाबों की तरह रहता है, मेरे जूड़े में गुलाबों की तरह रहता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। वो मेरी आंखों में ख्वाबों की तरह रहता है, मेरे जूड़े में गुलाबों की तरह रहता है, और पिछले 6-7 महीनों से किराए के बगैर वो मेरे दिल में नवाबों की तरह रहता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब है, क्या कहने हैं, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया।
सारी चीजें बच्चों के समझ में आ रही है, बड़े तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। बड़े इस तरह से बैठे हैं जैसे रख दिए गए हों। थोड़ी दाद मोहब्बतें आपकी भी नसीब हो जाए, समाप्त कीजिएगा कि लम्हा लम्हा शुमार करता है। सुनिए सुनिए आराम से। कि लम्हा लम्हा शुमार करता है दिल मेरा एतबार करता है। लम्हा लम्हा शुमार करता है दिल मेरा एतबार करता है, और वक्त ने दूर कर दिया तो क्या वो मुझे अब भी प्यार करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तरन्नुम से पढ़ें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका हुक्म। मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रही थी कि मुझे कहाँ से शुरू होना चाहिए, इसलिए ये दो तीन कतार खर्च किए हैं। हाजिर करती हूँ, मुझे क्या पढ़ना चाहिए इस है? जी जी आपने याद दिला दिया है, मोहब्बत वाले लोग बैठे हैं, कथा और मुझे याद दिला दिया गया है। मैं हाजिर करती हूँ कि सच्ची मोहब्बत करते हैं हम दुनिया को दिखला दो ना। क्या कहने, सब इसी तरह के बैठे हैं क्या? सच्ची मोहब्बत करते हैं हम दुनिया को दिखला दो ना, शाहजहां के नाम के नीचे नाम अपना लिखवा दो ना। ओ, कुछ नहीं चाहूं कुछ नहीं मांगू, कुछ नहीं चाहूं कुछ नहीं मांगू, यार मेरे बस इसके सिवा मेरे लिए भी जमुना किनारे ताज महल बनवा दो ना। क्या कहते, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे शबाना, वाह 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 वाह। दांत कमजोर है, आप दांत तो दे ही सकते हैं, ताजमहल ना बनवाए तो चलेगा। एक बार पूरा थोड़ा सा मुझे महसूस कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बेचारे सोच रहे हैं ताजमहल बनवा तो दे, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, बस उसी में परेशान हो रहे हैं ये। बहुत अच्छे से आप मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए गीत पढ़ देते हैं। पढ़े पढ़े, अरे पढ़े, यहाँ पढ़े तो गीत पढ़ दो। हाँ गीत पढ़ दीजिए, पढ़िए पढ़िए। सीधे सीधे मुझे पता है अगर मैं नहीं भी पढ़ूंगी तो भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा वक्त बचाते हैं और सीधे आपको गीत से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। समाप्त कीजिएगा। शुक्रिया बेटा, बच्चे बड़े होशियार हैं, सब समझ रहे हैं। हो कभी गलियों में आए कभी छत पे बुलाए मुझे घर वो इशारे घड़ी घड़ी। थोड़ा सा मेरे मोहतरम बुजुर्ग भी शामिल हो जाएंगे, कुछ पल के लिए सोच लें कि हम बच्चों के साथ सफर कर रहे हैं तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। हो कभी गलियों में आए कभी छत पे बुलाए मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। कभी गलियों में आए कभी छत पे बुलाए मुझे, बेसुरी ताल मत दो, ताली बजाना है तो रिदम से बजाओ तो आपको भी अच्छा लगेगा मुझे भी अच्छा लगेगा। समाप्त कीजिएगा। हो कभी गलियों में आए कभी छत पे बुलाए मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। कभी गलियों में आए कभी छत पे बुलाए मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। कहाँ भागूँ कहाँ जाऊँ कैसे पीछा मैं छुड़ाऊँ, कहाँ भागूँ कहाँ जाऊँ कैसे पीछा मैं छुड़ाऊँ, मेरे सारे ये मुसीबत पड़ी पड़ी। कभी गलियों में कभी गलियों में आए कभी छत पे बुलाए मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। आपको अच्छा लग रहा, मजा आ रहा? एक बार ताली बजाकर एक बार ही बजा दीजिएगा। जी जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। बंद हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। चल रहा इस बात का है इकरार मुझे, इस बात का है इकरार मुझे, करता है वो बेहद प्यार मुझे। मेरे दिल का शहजादा करे आने का जो वादा, मेरे दिल का शहजादा करे आने का जो वादा, मैं उम्र पिता तू खड़ी खड़ी। कभी गलियों में
कभी गलियों में आए कभी छत पे बुलाए मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी वो बुझ जाए ऐसी आग नहीं वो बुझ जाए ऐसी आग नहीं ये सच्चाई है राग नहीं ओ मैं हूँ उसकी दीवानी मैं हूँ उसकी दीवानी चाहे भेजो काला पानी मैं हूँ उसकी दीवानी चाहे भेजो काला पानी सह लूंगी सजाए कड़ी कड़ी कभी गलियों में आए कभी छत पे बुलाए मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। और आखिरी बंद आपकी मोहब्बतों के हवाले करती हूँ, बाकी भी बहुत सारे शोरा हजरात बैठे हैं, ये वक्त मोहब्बत का है, मुझे मोहब्बतों के साथ अपनी जगह तक पहुँचा दीजिएगा। मैं आखिरी बंद आपके हवाले करती हूँ, जी पढ़ती हूँ। कहाँ भागू कहाँ जाऊँ कैसे पीछा मैं छोड़ाऊँ मेरे सर ये मुसीबत पड़ी कभी गलियों में आए कभी छत पे बुला मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी वो सोने नहीं देती रातों को सुनती ही नहीं मेरी बातों को वो कभी रोके मेरी गाड़ी क्या कहने वो कभी रोके मेरी गाड़ी कभी खींचे मेरी साड़ी दो झील सी आंखें पड़ी कभी गलियों में आए कभी छत पे बुलाए मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। और गीत का आखिरी बंद आपकी मोहब्बतों के हवाले करती हूँ और आपसे रुख्सत होती हूँ। जी मैं हाजिर करती हूँ। ये नामो न सब शबनम अब क्या इस प्यार में मजहब वजहब क्या ओ छोड़ो मस्जिदो शिवाला मैं बना के उसकी माला अपनी सासों की लड़ी कभी गलियों में आए कभी छत पे बुलाए मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। गजल तो पढ़ दीजिए, एक गजल। एक मिनट, क्या चाहते हैं आप ये बताइए, मुझे बताइए क्या चाहते हैं, मैं बुलाती हूँ, आइए। मैं कह ही रही थी आपसे, आप सारी बातें तो उनके दिल की कर रही हैं, अब वो फिर आपको क्यों नहीं बुलाएंगे, तो पढ़िए आप गजल पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करती हूँ, बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं मेरे मोहतरम। देखिए शायर की भी थोड़ी सी अदा होती है, जाते हैं फिर बुलाते हैं, आप तो पलट के आते हैं, अब आपने बुलाया तो वो आ गई हैं कम से कम, तो जोरदार तालियों के साथ। देखिए आपका सारा काम मैंने कर दिया है, लेकिन मेरे मोहतरम भी कुछ यहाँ बैठे हैं जो गजलें सुनने आए हैं, शेर सुनने आए हैं। मैं गजल पढ़ना चाहती हूँ, बहुत सादा अल्फाज की गजल है, सादा सी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं चाहूँगी कि मेरे छोटे बहन भाई जो बैठे हैं वो भी इस गज़ल को तवज्जो के साथ सुने। क्यों आप सबकी दुआएं मिले, मोहब्बतें मिले, समाप्त कीजिएगा। तेरा करम है हम पर गुनाहों के बाद भी क्या कहने तेरा करम है हम पे गुनाहों के बाद भी तेरा करम है हम पे तेरा करम है हम पर गुनाहों के बाद भी हम जी रहे हैं कितनी
خطاؤں کے بعد بھی کتنی خطاؤں کے بعد بھی. اور شعر پہ آپ کی توجہ چاہتی ہوں سماعت کی جگہ. اس نے کچھ اس طرح سے تعلق نبھائے ہیں, اس نے کچھ اس طرح سے تعلق نبھائے ہیں, اس نے کچھ اس طرح سے, اس نے کچھ اس طرح سے تعلق نبھائے ہیں. دم گھٹ رہا ہے تازہ ہواؤں کے بعد بھی, تازہ ہواؤں کے بعد بھی. اور یہ شعر بطور خاص ان دنوں جو ہمارے حالات ہیں, کہیں کہہ دیا ہو تو آپ کی بھرپور محبتیں مجھے نصیب ہوں, حاضر کرتی ہوں سماعت کی جگہ. ہم جیسا بد نصیب وطن میں کوئی نہیں. کیا کہنے, بہت اچھا مصرع. ہم جیسا بد نصیب وطن میں کوئی نہیں, ہم جیسا بد نصیب وطن میں کوئی نہیں. مجرم بنے ہوئے وفاؤں کے بعد بھی, مجرم بنے ہوئے وفاؤں کے بعد بھی. جی جی حاضر کرتی ہوں, بہت بہت شکریہ. ہم جیسا بد نصیب وطن میں کوئی نہیں, ہم جیسا بد نصیب وطن میں کوئی نہیں. مجرم بنے ہوئے ہیں وفاؤں کے بعد بھی, مجرم بنے ہوئے ہیں وفاؤں کے بعد بھی. ہو یہ کیا ہوا کہ کس کی نظر لگ گئی ہمیں, یہ کیا ہوا کہ کس کی نظر لگ گئی ہمیں, یہ کیا ہوا کہ کس کی نظر لگ گئی ہمیں. چمکا نہیں نصیب دعاؤں کے بعد بھی, نصیب دعاؤں کے بعد بھی. اور یہ ایک شعر مقطع بطور خاص آپ کی محبتوں کے حوالے کرتی ہوں, محسوس ہوتا ہے تو کہنے میں آتا ہے, سماعت کی جگہ. شبنم رفاقتوں کے یہ جنگل عجیب ہے, شبنم رفاقتوں کے یہ جنگل عجیب ہے. محفوظ میں نہیں ہوں پناہوں کے بعد بھی, محفوظ میں نہیں ہوں پناہوں کے بعد بھی. ہم پر تیرا کرم ہے گناہوں کے بعد بھی. بہت خوب, بہت خوب.